दिन पर दिन गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चंद घंटों में ताज नगरी आगरा में दो स्थानों पर भीषण अग्निकांड देखने को मिला, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, वहीं इन आगजनी की घटनाओं में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, सूरज दादा आग बरसा रहे हैं और पारा 45 से 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। एक ओर तो लोग इस भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में बढ़ रही लगातार आग की घटनाओं से लोग और प्रशासन परेशान है। सोमवार को ताज नगरी आगरा में दो स्थानों पर भीषण अग्निकांड देखने को मिला। एक ओर तो थाना हरि पर्वत क्षेत्र के संजय पैलेस में बीएम कंप्यूटर की दुकान में भीषण आग लग गई। दूर दूर तक आग की लपटें देखने को मिली, वहीं इस भीषण आग से क्षेत्रीय लोगों में भगदड़ मच गई। तो दूसरी ओर थाना सिकंदरा क्षेत्र के रेलवे लाइन स्थित पुरानी आबादी बस्ती के मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये मेरे छोटे भाई की दुकान थी, बीएम टेक्नोलॉजी के नाम से, लेनोवो कंपनी का स्टोर था। तो हम लोगों ने आए हैं, लड़का दुकान खोलता है, लड़का ने दुकान खोली है। दुकान खोल के उसने जैसे ही मीटर MCB ऑन करी है ऊपर, सो एकदम से बहुत तेज से आग लग गई पूरे में, शॉर्ट सर्किट की वजह से। पता नहीं क्या हुआ, एकदम शॉर्ट सर्किट सा हुआ और एकदम से आग लग गई पूरे में। तो लड़के बाहर आ गए, थोड़ी देर में आग फैल गई। तब तक तो हमने चौकी पर जाकर लड़के इन्फॉर्म करके आए, तो फायर ब्रिगेड बहुत जल्दी आ गई, इससे कि और दुकानों में नुकसान नहीं हुआ हमारी, सिर्फ ये वाली दुकान हमारी पूरी जल गई है। ऊपर डेमो में डेस्कटॉप ऑल इन वन और लैपटॉप मिलाकर 20 पीस लगे थे हमारे, का टेबलों पे जो लगे थे 20 पीस अनुमानित कीमत, और अंदर गोडाउन में भी करीब 25-30 लैपटॉप रखे थे हमारे। कीमत क्या हुई अनुमानित कीमत? 20 लाख के आसपास का सामान होगा ये सारा। देखिए गर्मी का सीजन है और चूंकि तापमान में वृद्धि हो रही है, इसलिए अग्नि दुर्घटनाएं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के अभी पिछले एक हफ्ते से लगातार आदेश आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने पूरे स्टाफ को लगाकर विभिन्न प्रकार के भवन, जैसे हॉस्पिटल है, मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, स्कूल हैं या रिहायशी भवन हैं, इनमें हम लोगों ने अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत हमारा स्टाफ जाता है, वहाँ के उपकरणों को चेक करता है, वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों को उन्हें चलाने की जानकारी देता है, अग्नि दुर्घटना होने पे डूज और डोंट्स के बारे में बताता है और फायर स्टेशनों के और निकट फायर स्टेशन के टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर से अवगत कराता है, जिससे कि अगर कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो तत्काल हमें सूचना मिले, जिस पर हम लोग गतिविधि से पहुँचकर और नियंत्रण कर सके और जनहानि और धनहानि से बचाए। आनन फानन में सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, तो पुलिस ने भी दमकल की कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दोनों भीषण अग्निकांड में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर और अमित शर्मा की रिपोर्ट।